दिल्ली में हो रहे बवाल के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। आलम यह है कि सुबह से ही डीएनडी पर भीषण जाम लगा हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। जाम के चलते जहां सुबह लोगों को ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी पर समय से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस भीषण जाम में फंसे जाने के चलते वह अपनी नौकरी पर समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार जाम को खुलवाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली में हुए बवाल के बाद नोएडा में भीषण जाम लगा हुआ है। दिल्ली में हो रहे बवाल के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। आलम यह है कि सुबह से ही डीएनडी पर भीषण जाम लगा हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। जाम के चलते जहां सुबह लोगों को ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी पर समय से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस भीषण जाम में फंसे जाने के चलते वह अपनी नौकरी पर समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार जाम को खुलवाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली में हुए बवाल के बाद नोएडा में भीषण जाम लगा हुआ है।